उसके बाद है जी, ये पढ़ लिया है, आजीदा या ओजीदा मतलब होता है जी इसका हो जाना, कोई भी काम है हो गया है, हो जाना। क्या जी, म्योच्छिल जॉन बोदा कितने दिनों की निस्बत, कितने दिनों का देखने में, पुण्यों का गोबर छोंगमल वाकई माना जो सोयो। ये ग्रामर लगी है जी, जो सोयो जिसको मैंने हाईलाइट किया, हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, क्या हो गया जी। म्योच्छिल जॉन बोदा कितने दिनों को देखने में, पुण्यो गोबर छोंगमल माना जो सोयो, बहुत ज्यादा हो गया है। रोचियो ऐसे ही है, पल्ली जल्दी छियो या गे सोयो, जल्दी साफ करना पड़ेगा, या गे सोयो मैंने कहा था जी, करना पड़ेगा। ओके, वन फुंगी एग्जॉस्टिंग फैन, होची होची निका, होची का मतलब होता है जी रिपेयर करना, निका रिपेयर करना, मुरम्मत करना, फिक्स करना पड़ा था, निका इसलिए। वन फुंगी रल खोची निका, एग्जॉस्टिंग फैन रिपेयर किया है इसलिए, ओते हो कैसा है, जो एग्जॉस्टिंग फैन रिपेयर किया है वो कैसा है। कह रहा जी, शिलने कमरे क्या खोंगी हवा, वर्लशिन काफी हद तक केकत है जो सोयो, साफ सुथरी हो गई है, नीट एंड क्लीन हो गई है। जो सोयो का मतलब होता है जी हो जाना। ओके, कह रहा है इजे अभी फॉर्म ही नहीं हो, अभी बहार है, प्रोचियो ऐसा ही है, नलशी का मानी तातत है जो सोयो, मौसम बहुत ज्यादा हल्का गर्म हो गया है। जो सोया का मतलब है जी हो जाना, फिक्रे की एंडिंग में होता है जी। ओके, अरे अच्छा जी, अच्छा ये छोटा सा पैरा है जी, वाल्दुंग एक्टिविटीज को बोलते हैं, वाल्दुंग एक्टिविटी छोटी सी एक्टिविटी है। कह रहा थाम इल्को अगला पर कर, छिलमुने ने थपासे हो, सवाल का जवाब दो। ये छोटा सा पैरा है जी, डिटेल दी है और इसके बारे में ये नीचे दो तीन क्वेश्चन है, इनको पढ़ के जवाब देना है। कह रहा जी, छोंगड़ी तरतीब छोंगदोन वे है या हल्को हो, तर छोंगड़ी छोंगदोन इकट्ठा लफज है जी, छोंगड़ी छोंगदोन पुट इन ऑर्डर, तरतीब देना क्यों करनी चाहिए, चीजों को क्यों तरतीब देना चाहिए। जैसे आप किसी शॉप पे काम करते हैं, मैकेनिक के पास काम करते हैं, तो जो चीज आपने कोई चाबी है या रेंच है कोई मतलब आपने इस्तेमाल किया है, तो आपको फौरन उस वापस जगह पे रख देते हो, क्यों रखते हो, ये बात कर रहे हैं जी। कह रहे जी, मुलगुन चीजें गुआ और छंगसोई जगह का, चीजों का और जगह का, नांग भी कहते हैं गंदगी को, नांग भी गंदगी, छुड़ी छुई समीदा कम कर सकते हैं, छुड़ी छुई समीदा कम कर सकते हैं। कह रहा जी, चीजों की और जगह की गंदगी को कम कर सकते हैं, अगर आप चीजों को पुट इन ऑर्डर कर दें, जहां से उठाए हैं वहीं रख दें, तो आप चीजों की और जगह की गंदगी को कम कर सकते हैं। छुड़ील का मतलब होता है कम करना। तो उसके बाद कह रहा जी, दूसरे ऑप्शन में अंजन सागो, अंजन सागो का मतलब होता है जी, सागो का मतलब होता है हादसा, अंजन सागो हफास्ती हादसा, हादसे से, येबंग, येबंग का मतलब होता है बचना, येबंग हल्सुई सोयो बच सकते हैं, हादसे से बच सकते हैं। तो उसके बाद कह रहा है जी, खीगे मशीन, ओरे तोंगान का मतलब होता है जी ज्यादा देर तक, ओरे तोंगान ज्यादा देर तक, छल अच्छे से, सायोंग हल्सुई समिदा इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीनों को ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर आप चीजों को पुट इन ऑर्डर कर दे, जहां से उठाए हैं वही रखें, तो उन चीजों को हम ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे कह रहा है जी, छेफुम, छेफुम कहते हैं जी प्रोडक्ट्स, चीजें, हुमजिल, हुमजिल का मतलब होता है जी तरक्की, हुमजिल का मतलब होता है जी तरक्की, चीजों की तरक्की या चीजों की कह लो के मियार, मियार बिल्कुल जी, छेफुमी फुमजिल, चीजों का मियार चुहा चिमनीदा अच्छा हो जाता है, चीजों का मियार जो है फुमजिल मियार अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है जी, सेंगसन होमजोंग,
सेंगसंग का मतलब होता है जी पैदा करना, प्रोडक्शन। हुमजिल, हुमजिल का मतलब होता है जी अकसाम। सेंगसंग हुमजोंग प्रोडक्शन की जो अकसाम है। फ्योंग ख्योंग फिलते, फ्योंग ख्योंग का मतलब होता है तब्दील होना। फ्योंग ख्योंग तब्दील होना, चीजों की जो प्रोडक्शन है उनकी अकसाम जब तब्दील होती है, तब्दील होते वक्त। सुनशील कहते हैं जी नुकसान, सुनशील नुकसान। छुड़ील सुई संविदा कम कर सकते हैं, छुड़ील सुई संविदा कम कर सकते हैं। चीजों की जो प्रोडक्शन की अकसाम है वो जब तब्दील होती है तो उसका जो नुकसान है उसको हम कम कर सकते हैं। तो उसके बाद कह रहा है जी छठे नंबर पे छुलगोन, खुशी से। छिकचंग, छिकचंग का मतलब होता है जी तरक्की पजीर, तरक्की। हालजुन, रूनमा होना। छुलगोन खुशी से, खुश, छुलगोपता पड़ा ना, खुश होना। छुलगोन खुश, छिकचंग तरक्की पजीर या तरक्की। फालजोन का मतलब होता है जी रूनमा होने वाली हवेसा का, थोड़ी समझीदा कंपनी आप बना सकते हैं। एक खुशगवार और तरक्की याफ्ता कंपनी आप बना सकते हैं। ओके, ये बात कर रहा है जी। जिसको समझ नहीं आई वो बताए जी कौन सी लाइन। लफ्ज थोड़े पचीदा पचीदा आ रहे हैं जी। अच्छा जी, कह रहा जी एक इलगन, क्वेश्चन नंबर वन में इलगन पार कर नेयोंगवा कथन। कथन का मतलब होता है जी सेम सेम, गोल सर्कल। थार्मियन मुक्लिफ है तो क्रॉस लगाओ जी, तो शिवशियो लगाओ। कह रहा जी छोंगरी राय छल हाम्योन, तरतीब अच्छी दो तो अंजोन सागो, अपास्ती हादसा। छुरील सुई समझीदा कम कर सकते हैं, अगर औजारों की चीजों की तरतीब दे दो तो हादसे को कम कर सकते हैं। सही बात कर रहा है जी, बिल्कुल जी दुरुस्त बात कर रहा है। तो इसको गोल सर्कल लगा दो। ओके, दूसरे में कह रहा है जी छोंगरी रल छड़ हाम्योन, तरतीब अच्छी दो तो खिगेरल मशीन, पल्ली जल्दी। फाकुल सुई समझीदा तब्दील कर सकते हैं, औजारों की तरतीब अच्छी दो तो मशीन जल्दी तब्दील कर देंगे। नहीं जी, उसने कहा है मशीन ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर दो, ये गलत बात कर रहा है जी। तीसरे में कह रहा है जी छोंगरी रल छड़ हाम्योन, तरतीब अच्छी हो तो हवेसा ऐसो कंपनी में, तो मजीद छुलगुप के खुशी से इरल हालसुई समझदा काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी, औजारों की तरतीब अच्छी दो तो कंपनी में खुशी से काम कर सकते हैं। बिल्कुल एंड वाली लाइन में यही बात कर रहा है, इसको दुरुस्त कर दो जी, गोल सर्कल कर दो। ओके, छोंगबो कहते हैं जी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में जी ये सबसे एंड वाला जो है ना इसको देख लो। होगवान, होगवान कहते हैं जी स्टोर करना, औजारों को रखना, स्टोर करना। खोंगू हाम टूल बॉक्स, खोंगू हाम टूल बॉक्स। छुम्बी हायो, छुम्बी हायो का मतलब होता है जी तैयार करते हुए। छोंगरियो टाइप्स, वा खुगे प्योलो साइज के हिसाब से। खोंगुरल उजार, हुब्योर हेया, हुब्योर हायो, हुब्योर का मतलब होता है जी रखना। फोगवान हेया हमीदा, फोगवान हेया का मतलब है जी सेव करने चाहिए, स्टोर करने चाहिए। ओके, स्टोर करना। कह रहा है खोंगू हाम में जो आपके औजार है, खोंगू हाम छुम्बी हायो, तैयार करते वक्त या बनाते वक्त, औजारों को तरतीब देते वक्त। छोंगरियो वा खुगे फ्योलो टाइप्स और साइज के हिसाब से औजार जो है वो रखने चाहिए। तो उसके बाद कह रहा है खोंगुरल अंजन हागो, औजार जो है वो हफाजत के साथ शिव के आसानी से सायंग हलसुई समझीदा इस्तेमाल कर सकते हैं, हजारों को हम सेफ्टी के साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गई है जी थी लिसनिंग, आ गई है जी लिसनिंग, सुनो। एक से लेकर दो तक कह रहा है जी थुरन गोसल, सुनी गई चीज का कोरे शिपशियो इंतखाब कीजिए। फेयू क्या था जी, जायाशुदा ऑयल। फेसू, जायाशुदा चीजें। फेगी सॉरी फेसू, जायाशुदा पानी। फिर उसके बाद फेगी जायाशुदा चीजें, फेमुल भी जायाशुदा पानी के लिए है जी। सुनो, या तो वो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक बोलेगा या किसी एक ऑप्शन के बारे में बात करेगा जी। ओके, सुनो
जी44과 EPS 토픽 듣기. 2번. 들은 것을 고르십시오. 순위기 바텐 카프로 1번. 해수를 여기에 버리는 거예요? 네. 해수 여기에서 버린 거예요. 해수 यहां 포리 करना है. 해수 क्या है जी? 자유수다 पानी. किसके बारे में बात की है जी? ओ वेरी नाइस. वैसे बट दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है जी. हेसु. ओके क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है जी, पहले ऑप्शन में छागोप जांगी काम वाली जगह केकत है यो, साफ सुथरी है. दूसरे में कह रहा है छागुप जंगल काम वाली जगह छियो सोयो साफ कर दी है. तीसरे में कह रहा है छागुप जंगी काम वाली जगह थोरो वोयो गंदी है. चौथे तो में कह रहा है छागुप जंग काम वाली जगह छोंगरी है यो, तरतीब दी है, तरतीब देनी है. सुनो जी,여기가 폐수를 버리는 곳이에요. क्वेश्चन नंबर टू सुनो. 2번. 작업장이 더러워요. 그렇죠. 너무 지저분하네요. 더러워요. 간디 है. 작업장이 더러워요. 강 वाली जगह 간디 है. 너무 지저분해요. 하, 와케이 बहुत 간디 है. 3번 ऑप्शन 들었어요. 지, 오케이 지 예슬 भाई. 3번 ऑप्शन 들었어요. 오케이. 지 भाई. 3 से लेकर 4 तक छल को अच्छे से सुनकर नहीं हुआ. तफसील ख्वानगे इनन तल्लुक रखने वाली क्रीम पेंटिंग थोड़ी शिपशियों इंतखाब कीजिए. जिसिंग सुनो, चार तस्वीरें हैं, जिस तस्वीर का तल्लुक लिसनिंग के साथ है उसका इंतखाब करो.3에서 4번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3. 4번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번. 사다리가 있으면 올라갈 수 있겠네요. 사다리가 있으면 시리 호또 올라갈 수가 있어요. 우퍼 찰 सकते हैं. 사다리요? 사다리요? 시리? 저기에 있네요. 거기 있네요. वहां है. 2 3 दफा सादारी सादारी बोला है. सीढ़ी की बात कर रहे हैं जी. तीसरा ऑप्शन दुरुस्त है. ओके चौथा सुनो जी.지금 뭐 하고 있어요? अभी क्या कर रहे냄새가 हो? 나서 환기하고 있어요. 냄새가 많아서 호응기 하고 있어요. जो मैं पहले बात करके हूँ वही बात हो गई है कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन में है ये बंदा खिड़की खोल रहा है. खिड़की भी खोल रहा है वो भी बात दुरुस्त है, लेकिन ये हवंगी कर रहा है, एग्जॉस्टिंग कर रहा है ताकि हवा की निकासी होती रहे. पहला ऑप्शन दुरुस्त है जी.